टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद के पास अली चेंबर नामक इमारत के सामने थाने महानगर पालिका द्वारा नाला बनाए जाने पर आज विवाद हो गया। इस अली चेंबर इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर जो दुकानदार हैं वो विरोध कर रहे थे कि कम 4 से 5 मीटर दुकान से छोड़कर नाले की खुदाई की जाए, मगर थाने महानगर पालिका के अधिकारी धनंजय गोसावी ने कहा कि डीपी प्लान के हिसाब से ही नाले की खुदाई होगी और विवाद इस दौरान बढ़ गया। मौके पर मुमरा पुलिस को बुलाना पड़ा और विरोध करने वाले कुछ लोगों को पुलिस अपने साथ लेकर गई। दरअसल दुकानदारों की जो मांग है कि 4 से 5 मीटर छोड़कर नाला दुकान से बनाया जाए, मगर वहीं थाने महानगर पालिका के अधिकारी धनंजय गोसावी इनके दुकानों से लगभग 1 मीटर छोड़कर ही नाले की खुदाई कर रहे हैं। अली चेंबर इमारत से बिल्कुल लगकर नाले की खुदाई की वजह से दुकानदारों ने बताया कि इमारत को खतरा हो सकता है, मगर जब हमने इस बारे में थाने महानगर पालिका के धनंजय गोसावी से बात की तो उन्होंने बताया कि मुमरा में 3 जगहों पर डीपी प्लान में चेंजिंग है। मुमरा रेलवे स्टेशन के पास 30 मीटर और कौसा के पास 30 मीटर रोड से दारुल फलाह मस्जिद के पास 45 मीटर रोड से है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ भी 30 मीटर से ही लो, मगर हम डीपी प्लान के अनुसार ही काम करेंगे और नाले की दीवार से इमारत को कोई खतरा नहीं है। इमारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नाले की खुदाई की जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। गोसावी सर, ये नाले का जो काम चालू है ये कैसा नाला बनाया जा रहा है और क्या डिटेल है इसकी? ये रोड वाइंडिंग का साइड गटर है रोड के साइड का, और जो अपना डीपी है डीपी के हिसाब से अपन रोड का बाउंड्री फाइनल किया है। तो मुमरा का डीपी 3 जगह पे चेंजेस है। एक मुमरा स्टेशन जो है पुराना है अपना, जिसको गावखान बोलते हैं, उधर 30 मीटर का है फास्ट ट्रैक से फिर कौसा कब्रस्तान तक अपना 45 मीटर का है और आगे उसका 30 मीटर का है। 3 लोगों का कहना था कि स्टेशन पे 30 मीटर लिया है, कौसा मस्जिद पे 30 मीटर लिया, इधर ही 45 की है, मगर वो डीपी प्लान के हिसाब से मंजूर है। एक बार वो डीपी मंजूर हो गया है तो डीपी मंजूर होने के बाद में आपको उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और इन लोगों का कहना था कि जितना उधर कौसा में लिया है 15 मीटर सेंटर से ये साइड 15 मीटर वो साइड, मैं बोला नहीं, जिधर जितना मिलेगा हमको मैक्सिमम उतना हम ले रहे हैं। फिर भी ये बिल्डिंग के नीचे अंदर गई है हमारी बाउंड्री 1 मीटर, मगर मैं बिल्डिंग को टच करके गटर बांध रहा था, वो लोगों मना कर रहे थे 4 मीटर जगह छोड़ो 5 मीटर का, मैं बोला नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से वो लोगों ने हमको काम में रुकावट पैदा की। तो जो विवाद हुआ था उसमें कुछ लोगों के खिलाफ आपने कंप्लेंट वगैरह भी की? नहीं, कंप्लेंट नहीं, पुलिस वाले को बुलाया हमने और पुलिस वाले ने फिर उनको समझने के बाद में हमने छोड़ दिया। अच्छा गोसावी सर, कुछ लोग कह रहे हैं जो दुकान वाले हैं जहां आप नाला बना रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि एकदम लगकर बिल्डिंग से जो है खुदाई की जा रही है, तो इमारत को भी ऐसे तकलीफ हो सकती है, क्या ऐसा कुछ है मामला? 4 फुट का डिस्टेंस रखा है अपन, उनका जो कंटेनर बाहर है अभी इतना खुदाई 4 फुट का होगा, एक का भी फाउंडेशन दिखाई दिया क्या आपको? वो हमने छोड़ दिया जगह, हमको मालूम है एक बिल्डिंग को धोखादायक हो सकती है, इसके लिए हमने लंबे से खुदाई करके लिया, मगर उनका बोलना कि 14 फुट लंबा ले लो, ऐसा नहीं करता।